बरेली से बोल रहा हूँ, कटी कुंजी आजम नगर वार्ड नंबर 20 से। जो हमारे कटी कुंजी आजम नगर में काफ़ी दिनों से जो पानी की समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। ये नल दिवाली से ख़राब पड़ा हुआ है। मैं यहाँ ज्ञापन 4 दे चुका हूँ, इसके बाद भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं मानिशी उमेश गौतम जी से निवेदन करता हूँ, जो कटी कुंजी आजम नगर में काफ़ी दिवाली से जो नल खराब है उस समस्या का समाधान किया जाए, वरना हम क्षेत्रवासी कहाँ जाएंगे होली से पहले पहले। मैं चाहता हूँ कि हमारा नल की समस्या का समाधान हो जाए। और वहाँ पर बिजली के खंभे भी टूटे पड़े हुए हैं, कोई खंभा नहीं है। तार आप देखोगे तो आप ऐसा पाओगे कि तार बिल्कुल ही खराब पड़े हुए हैं, गले हुए हैं बिल्कुल से। पेड़ों पे लगा हुए हैं सब, पेड़ के वजह से तार रुका हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो जाए, हम कब तक भागते रहेंगे क्षेत्रवासी ऐसे ही। क्या नाम है आपका? दीपक पाठक, महानगर प्रमुख। बताइए आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं माननीय उमेश गौतम जी से मिलने के लिए। ये जो कटी कुइयां क्षेत्र है, यहाँ पर जो एक सरकारी नल है वो दिवाली के समय से ख़राब पड़ा हुआ है, और आगे आने वाला त्यौहार जो है होली का है, उसमें अधिकतर पानी की ही आवश्यकता होती है, जिससे जनता काफ़ी परेशान है। वहाँ पर जो पोलों की व्यवस्था है वो पेड़ पर जो है लाइनें जा रही हैं, और हम लोग इस संबंध में कब से समस्या आ रही है, ये लगभग मैं देख रहा हूँ 6-7 महीने से नल जो है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ा है। क्षेत्रवासी बहुत ज़्यादा परेशान है। आज हम उमेश गौतम जी से मांग करते हैं कि कृपया वो महापौर होने के नाते इसको अपने संज्ञान में लें और जल्द से जल्द ठीक कराएं, ताकि होली का त्यौहार जो है अच्छे से मना सकें। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या कदम? यदि कार्रवाई नहीं होती है तो शिवसेना जो है फिर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगी। आप बताइए फिर होली त्यौहार पे कैसे समस्या समाधान किया जाएगा, मोहल्ले क्षेत्रवासी कहाँ जाएंगे अगर पानी नहीं मिलेगा? नल कसो खराब है, नल हमारा दिवाली से खराब है, हम 4 ज्ञापन दे चुके हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जल्द से होली से पहले पहले हमारे नल का समाधान किया जाए साहब। तो मानिश उमेश गौतम जी से निवेदन।